हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन के एमसीक्यूज को। ये पार्ट वन है, यहाँ टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपनी लॉ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अपलोड हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं वो जब बन जाएगा तो वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का देखेंगे। बीआरएफ का भी वीडियो बन चुका है, ये लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। और डेट्स एग्ज़ाम के चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बंद कर दें। एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते रहिए, एमसीक्यूज है तो आप जितना अधिक से अधिक एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कॉस्ट को निकाला जाए, कॉस्ट असर्टेनमेंट, लागत का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर टू है, डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विद, प्रत्यक्ष लागत की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? तो ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की प्रत्येक इकाई के साथ हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलती है कि हाँ इस यूनिट पर कितना रुपया लगा हुआ है, डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग प्रत्यक्ष लागत कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। वहीं पर ये क्वेश्चन नंबर थ्री में ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? जैसे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं सबको ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आता है, यानी कि मूल लागत आता है। इस मूल लागत के ऊपर या इसके अलावे जो कॉस्ट लगते हैं उन्हें हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो ये किसका सम होता है? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जितने भी अप्रत्यक्ष लागत होते हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते कि इस यूनिट का खर्चा है कि दूसरे यूनिट का है कि तीसरे यूनिट का है, ये जब हम नहीं बता सकते हैं तो उसे हम लोग अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। और सभी अप्रत्यक्ष लागत को जब जोड़ते हैं तो वो ऊपरी व्यय आता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज, आरोपित लागत है, तो ये एक तरीके का नोशनल कॉस्ट होता है यानी कि काल्पनिक लागत। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, संचालन लागत किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सर्विस इंडस्ट्री दे रखा है, इसकी जगह पे जैसे होटल दे रखा या फिर हॉस्पिटल दे रखा है चाहे ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, तो जहाँ पे सर्विसेज दिए जाते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है उन सब जगह पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगती है, संचालन लागत। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, प्रक्रिया लागत किसके लिए उपयुक्त होती है? तो प्रक्रिया मतलब क्या है कि जैसे एक कोई प्रोडक्ट बना उसको दूसरे प्रक्रिया में ट्रांसफ़र करिए किए, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और सबसे लास्ट में जाकर के फिनिश्ड गुड तैयार होता है। तो ये प्रोसेस जहाँ जहाँ फॉलो होता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कौन सा लगता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। ऑयल रिफाइनिंग, ये क्या है? तेल के शोधन की जो फर्म होती है, सबसे पहले वो जैसे सरसों है तो सरसों लेके आया गया, उसको ग्राइंड किया गया, उसको पीसा गया, उसके बाद उसमें से तेल निकाला गया, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग कर दी गई, तब जाकर के उसको मार्केट में बेचा गया। तो दो तीन प्रोसेस से होकर के वो गुजरता है। तो ये तेल का जो रिफाइनिंग किया जाता है ये सारे किस में आएंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग में आएंगे। इसकी जगह जैसे गन्ने बनाने का जो आता है, चीनी बनाने का जो मिल होते हैं वहाँ पर भी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। कपड़ा बनाने का उद्योग है जहाँ पे सबसे पहले कॉटन होता है, कॉटन से फिर धागे बनाए जाते हैं, धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े की रंगाई की जाती है, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग की जाती है, कटिंग करके स्टिचिंग की जाती है, तब जाकर के रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। फिर इसके अलावा जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इन सब जगह पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस एग्जांपल के अनुसार होगा कि तेल शोधन फर्म। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन, लागत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो कई तरीके से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, कॉस्टिंग रिफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ, कॉस्टिंग तकनीकों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। ये क्या करता है? जितने भी लागत को निर्धारण करने वाले तकनीक होती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, उन सबका समूह होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, लागत लेखांकन का विकास क्यों हुआ था? जैसे जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको लिखा जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाया गया है उस पर लागत कितनी आई है वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं जान सकते थे, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर आया गया, यानी कि लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन की सीमाओं को पार करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर टेन है, मल्टीपल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग टू और मोर कॉस्टिंग मेथड फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाई, मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है? जब एक या एक से अधिक कॉस्टिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, लागत लेखांकन की तकनीकें प्रयोग की जाती हैं ताकि लागत को निकाल सकें। अब ये कौन करता है? तो वो एक ही फर्म करती है, जब कोई प्रोडक्ट है उस पर कॉस्टिंग करना है उसको और एक से अधिक टेक्निक का प्रयोग कर रही है तो उसको हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, वेजेस पेड टू अ लेबर
हु हैज़ इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी टर्म्ड एज, उत्पादन की गतिविधियों में लगे एक श्रमिक को दी गई जितनी भी मजदूरी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत। जितने भी श्रमिक प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं यानी कि वो मेन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। इस मेन फैक्ट्री के अलावा भी बहुत सारे मजदूर काम करते हैं तो इनको छोड़ करके बाकी जो रहेंगे उनको हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन वेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज अ, वह लागत जो एक व्यावसायिक इकाई के बंद होने पर भी खर्च हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शट डाउन कॉस्ट यानी कि बंद करने की लागत। जब बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे वो अपने व्यवसाय को बंद कर देता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है कि कोई यूनिट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर 2 रुपये का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो ये 2 रुपया भी जब वो रिकवर नहीं कर पाती है तो अपनी कंपनी को बंद कर देती है। तो कंपनी को बंद करने में भी कुछ लागतें लगती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शट डाउन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज़ यूजफुल, लागत का वर्गीकरण किस लिए उपयोगी होता है, ताकि हम लागत की पहचान कर सके कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा ऐसे लागत है जहाँ पे हमको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, लागत के तत्व हैं ए है 3 टाइप्स, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के, तो लागत के तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कॉस्ट है 3 प्रकार का, एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। मटेरियल भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो मटेरियल होगा, जैसे मान लेते हैं बना रहे कपड़ा, तो उस पर जो धागे खरीद के आएंगे वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। और इसको किस में लगाएंगे, जब प्राइम कॉस्ट को निकालेंगे यानी कि मूल लागत को निकालेंगे तो डायरेक्ट वाले को जितने भी हैं उन सबको ऐड करेंगे, और जो उस कपड़े को बनाने में इंगेज होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कहेंगे। और उसके अलावा भी जो कपड़ा बनाने में खर्चा आएगा उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जैसे मशीन को साफ करने के लिए कुछ कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, कुछ और मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, वो सब किस में आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल में आएंगे। फैक्ट्री के जो गेटमैन हो गए चाहे मैनेजर हो गए, वो सब क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से फैक्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। वैसे इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने में भी कई सारे खर्चे आएंगे, तो वो प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड, प्रत्यक्ष व्यय को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रभार्य व्यय। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज, उत्पादन के प्रयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, उत्पादन ऊपरी व्यय। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ, गोदाम का किराया किस प्रकार किसका हिस्सा होता है, तो वो किसका हिस्सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि फैक्ट्री में माल बन गया, वहाँ से पैकेजिंग वगैरह होकर के ले जा करके गोदाम में रखा गया है जहाँ से मार्केट में बिकेगा, तो ये क्या है, किस प्रकार का खर्चा है, वितरण करने की लागत है, कि हम लोग फैक्ट्री से माल बना करके उसके बाद उसको बाजार में ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च करेंगे यानी कि यातायात का, परिवहन का जो खर्चा करेंगे, वेयर हाउस का खर्चा करेंगे, वो सब किस में आएगा, सब कुछ बेचने की लागत में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद, अप्रत्यक्ष सामग्री 6 को किसके साथ समायोजित किया जाता है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट की किया जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, जब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट आता है। और प्राइम कॉस्ट क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट लेबर है, इन तीनों को ऐड करेंगे, और जितना भी इनडायरेक्ट तरीके से खर्चा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, और ये क्या कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, इन दोनों को मिला करके। तो कॉस्ट शीट को याद कर लेंगे, उससे ही कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, लागत पत्रक तैयार करने के लिए किस पर विचार नहीं किया जाता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट देखे जाते हैं, लेकिन गुडविल रिटन ऑफ ये सब किस में रहता है, पीएनएल अकाउंट में रहता है, तो ख्याति को अपलिखित करना ये इसका पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल ऑफ डिफेक्टिव्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, दोषों की विक्रय से क्या कम हो जाता है, तो जो भी डिफेक्टिव मटेरियल होते हैं उनको जब बेच दिया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने की लागत कम हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं 10 यूनिट बनाया, उसमें से 8 यूनिट हमारा बन के तैयार हुआ, मान लेते हैं
₹20 में बन करके तैयार हुआ, कितना हो गया 160। जो 2 यूनिट और हमारा बचा उसको ₹20 में बेच दिए तो कितना हमारा कॉस्ट कितना लगा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सिर्फ ₹140, ₹160 की तो हमारी लागत लगी थी सब कुछ ये 10 बनाने में, लेकिन ये जो 2 डिफेक्टिव बेच दिए हम लोग उससे ₹20 हमारी लागत कम हो गई, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है टेंडर एजेंट। टेंडर क्या है? तो टेंडर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी उसका एस्टिमेशन किया जा सके, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का अनुमान लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज, बिक्री और लाभ की लागत नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब होगा आपका बिक्री की लागत तथा लाभ, थोड़ा सा राइटिंग सुंदर है एडजस्ट कर लीजिएगा, तो बिक्री की लागत प्लस इसमें प्रॉफिट जब हम लोग करेंगे तो वो क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, मूल लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो जितने भी डायरेक्ट होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे प्रत्यक्ष लागत क्या होता है, हमेशा तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मूल लागत प्राइम कॉस्ट, और अगर पूछ दे डायरेक्ट कॉस्ट तो इसको भी हम लोग यही कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो शब्दों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग एकदम आसानी से। क्वेश्चन नंबर 24 है टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज, सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग क्या कहलाता है, तो मूल लागत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ह्रास किस में आता है, ये आता है फैक्ट्री ओवरहेड में। क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, फैक्ट्री में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 स्टॉक कंट्रोल थ्रू स्टॉक लेवल्स एंड EOQ इज कॉल्ड, EOQ को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्कंद स्तर और EOQ के माध्यम से स्टॉक पर नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं परपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सतत स्कंद प्रणाली। इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो भी कंपनी में स्टॉक रखे हुए हैं उनको इस तरीके से मैनेज करना ताकि उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 है काउंटिंग हाउस सैलरी इज अ पार्ट ऑफ, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि प्रशासन ऊपरी व्यय। क्वेश्चन नंबर 28 है फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फैक्ट्री ओवरहेड को किसके आधार पर चार्ज किया जा सकता है, तो ये होता है सामग्री लागत यानी कि मटेरियल कॉस्ट के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय को किसके आधार पर चार्ज किया जाता है, तो ये होता है प्राइम कॉस्ट के बेस पर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, विक्रय और वितरण व्यय को किसके आधार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है मटेरियल कॉस्ट के आधार पर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होता है मैं सबसे पहले वहीं पर शेयर करती हूँ।